पे है और यहाँ से नजारा देख सकते हैं आप लोग, ये पहाड़ okay, देख सकते हैं कितना लोड है गाड़ी गाड़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में एकदम सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज है 15 जनवरी और आज के दिन है मकर संक्रांति। तो आज के दिन पे परशुराम कुंड में जाते हैं, सब लोग कहते हैं पाप धुलने के लिए कुछ कुछ वैसा है, लेकिन मुझे पूरा एग्जैक्ट कुछ पता नहीं है, इसके वजह से मैं पूरा नहीं बता पाऊंगी। तो आज हम लोग भी वहाँ जाने वाले हैं और वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे आप लोगों को, कितना खूबसूरत होता है परशुराम कुंड में। एकदम पहाड़ी इलाका है और वहाँ कितना भीड़ भाड़ होता है, आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पर। इसके वजह से 15 को हमेशा हम लोग जाते हैं, 15 जनवरी को हर एक साल में जाते हैं। तो आज अभी चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट बना लेते हैं अपना जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद हम लोग का टाइम निकला है 9:30 से, हम लोग सब लोग जाने वाले हैं। तो हमारे कॉलोनी के सब लोग एक साथ ही जाने वाले थे, चलते हैं पहले ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी बना के, फिर रेडी होंगे परशुराम कुंड जाने के लिए और दिखाएंगे आप लोगों को कि परशुराम कुंड कैसा है। तो अभी मैं रेडी भी हो चुकी हूँ और दीदी लोग भी सब लोग रेडी हो चुके हैं। तो अब मुझे जाके देखना पड़ेगा गाड़ी के वहाँ कौन कौन कैसे जा रहे हैं और कौन सा गाड़ी से जाएंगे, वो दिखाएंगे आप लोगों को। सबको रेडी हो चुका है, तो आधा लोग जा चुके हैं, तो अभी मैं भी रेडी हो चुकी हूँ एकदम ब्लैक वाइट। चलते हैं देखने, यहाँ हमारी परी भी हो चुकी है रेडी एकदम येलो येलो। परी परी कहाँ जा, बता दो एक बार सबको बता दो। यहाँ सब बच्चे भी आ चुके हैं इधर, और इधर मेरे जीजा जी अकेले खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि गाड़ी में जाएंगे कि नहीं जा रहे। और हमारा गाड़ी ये है वाला है, आज इसमें लोड होंगे आप लोग सब लोग क्योंकि इसमें बहुत ही मजा आता है। और डीजे बनाया है, डीजे बहुत बड़ा वाला बनाया है। परी कहाँ जी का बताओ, बताओ परी, बोलो परशुराम कुंड, परशुराम कुंड, परशुराम कुंड, पताल तुम। आप लोगों को भी जाना, पूछो आइए बोलो, हम जा रहे हैं, हाथी देखेगा सब देखेगा, परशुराम देखेगा, पहाड़ देखेगा, बोलो बाय, टेक केयर कर दो, बाय कर दो, टेक केयर। तभी बस दीदी लोग और भाभी लोग का आने का देरी है, उसके बाद सब लोग हम लोग एक साथ निकलेंगे ये गाड़ी में और काफी मजा आने वाला है। इसमें भी डीजे बनाएगा, पूरा पिकनिक की तरह घूमेंगे जाके वहाँ। यहाँ अभी सब लोग आ चुके हैं, इधर सबीना हीरोइन बनते हुए, इधर दीदी, इधर दीदी, इधर आधा लोग उठ चुके हैं, इस पे उठेंगे अभी सब। चलो जोड़ी मिला है, इधर जोड़ी मिला है, जोड़ी मिला रहे, पार्टनर चेंज हो रहे यहाँ। चलो 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 सबीना ऊपर उठना, चलिए ये सब लोग जाएंगे एक साथ अभी ये वाले गाड़ी में। इतने लोग पूरा अपने कॉलोनी के एक साथ सब, और इधर कुछ उठा जा रहा है भी। तो यहाँ अभी सब लोग हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं कितना लोड है गाड़ी, इधर इधर सब पूरा एकदम भर्ती, इधर बच्चे लोग तभी पूरा एंजॉय कर करके जाने वाले हैं। सभी ने इधर पूजा कहाँ घुस रही है, पूजा भी इधर तभी ऐसे ही कर करके जाएंगे और काफी मजा आता है ऐसा वाला। इसके वजह से हम लोग हर साल ऐसे ही जाते हैं, ऐसे जाते हैं ऐसे। पहाड़ के एकदम सामने देख ला दो, ये है पहाड़ यहाँ का। सबीना को पूरा वीडियो बनना मजा से, सब लोग ये नदिया में रहे।
गया मैं उतर जा यही में अगला बार पर जगह ही नहीं मिला था गाड़ी लगाने डबल हाँ ये तो कुछ नहीं है हवा इतना चल रही है इधर ईगल भी आ सकता है हाय कौन सबको हाय ऊपर उठा के ऊपर उठा के हाय हाय बड़ी हाय कर दे बेटा पहले भी हमने यहाँ फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पसराम कुंड और यहाँ का भीड़ देख सकते हैं आप लोग कितना दूर दूर तक गाड़ी लगी हुई है पूरा जंगल जंगल तक इधर इधर कितने सारे हैं तभी हमारा जो बाल है वो पूरा खत्म हो चुका है एकदम हवा लग लग के इसलिए सबीना इधर मेकअप कर रही है पूजा इधर सब मेकअप कर रहे हैं अभी मेकअप बाल को ठीक करके रमेंगे अभी और मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है वैसे हम लोग सोचे थे कि बारिश ठंडी मौसम होने वाले लेकिन पूरा धूप के समय में नमे इसके वजह से थोड़ा भी गर्मी गर्मी लग रहा है पूरा गर्मी लग रहा है अभी चलते हैं अंदर की तरफ दिखाते हैं आप लोगों को पसराम को नया बोल दो तो हाय कर दो हाय हाय कर दो बोले पसराम को नया हम लोग हाय पानी पिएगा अभी सब लोग नम चुके हैं तब हम लोग जाएंगे सोच रहे पहले मेला की तरफ जाए कि पहले इधर खाना मिल रहा है उधर जाए सोच रहे अभी देखते हैं क्या डिसाइड होता है उसके बाद ही कहीं जाएंगे हम लोग ना पड़ी कहाँ है बता दो पसराम को नया बोल दो तो उधर देख के बोल दो पसराम को नया है तो अभी हम लोग इसके नीचे जाएंगे और इसके साइड में ही मेला है तो मेला भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को यहाँ छोटा मोटा सा मेला भी लगा हुआ है तो यहाँ सब अपने ग्रुप लोग एक साथ इधर तो अभी इसको क्रॉस करके नीचे जाना पड़ेगा इधर आप ये पहाड़ देख सकते हैं आप लोग कितना ऊंचा है ये पहाड़ कहाँ तक एकदम बहुत ही खूबसूरत नजारा है यहाँ का अभी हम लोग नाम के जा रहे हैं मेला के तरफ इधर जो मेला लगा है छोटा सा वो और इधर अनाउंस कर रहे हैं बोलते हैं यहाँ का मेला में दिखाती हूँ कुछ मेला लगा है ये रहा पसराम कुंड का मेला देख सकते हैं आप लोग क्या क्या मिल रहा है इधर वो भी दिखाएंगे अभी इतने फ्लावर्स अशोक के आर रविदास किधर यहाँ कुछ कपड़े भी मिल रहे हैं तो यहाँ कपड़े देखने के लिए दूसरे भाभी लोग वाह प्यारा प्यारा बच्चा लोग का बस इधर कुछ इतने सारे कपड़े के तो आप जल्द से जल्द आने का कष्ट करेंगे आपका साथी जाने वाले हैं अशरफी दास इधर हमारी परी के साथ मैं घूम रही हूँ परी इधर चल चल के घूम रही है आप इधर जाएंगे और कुछ कुछ देखते हैं मेला में उधर खाने का आइटम है उधर नहीं जाएंगे हम लोग और इधर कुछ कुछ है आपका साथी तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ क्योंकि उधर पूजा करने के लिए बहुत ही लंबा सा लाइन लगा हुआ है तो यहाँ वहाँ का लाइन थोड़ा आप लोगों को भी दिखाऊं मैं सोची इसके वजह से मैं जा रही हूँ ऊपर की तरफ दिखाऊंगी और मुझे पहाड़ के ऊपर उठना पड़ रहा है पैदल पैदल कहाँ गए समीना पूजा और लाडो हम लोग चार लोग ही बस जा रहे हैं और दीदी लोग सब नीचे है क्योंकि इतने पहाड़ के ऊपर उठने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसके वजह से और यहाँ का लाइन देख के तो मुझे बहुत ही हो रहा है कि ये लाइन कब तक खत्म होगी वैसे देखते हैं आप लोग भी दिखाते हैं कि यहाँ का लंबा लाइन मैं अभी पहाड़ के ऊपर उठ चुकी हूँ और देख सकते हैं यहाँ नीचे का नज़ारा आप लोग और इधर कुछ लाइन लगे हुए हैं उधर खाना मिलेगा इसके वजह से तो सबीना लोग अभी नीचे है उन लोग भी आ रहे हैं ऊपर तरफ और दीदी लोग तो उधर मेला के तरफ है तो हम लोग जाएंगे भी इस तरफ से उधर यहाँ का लाइन में बता रही थी कि कितना लंबा सा लाइन लगा है और ये खाना खाने के लिए लाइन लगा हुआ है शायद तो अभी इधर जाके सोच रहे कि हम लोग भी थोड़ा लग जाए क्योंकि भूख तो बहुत ज़ोरों से लगा हुआ है हम लोग घर से निकले बस ब्रेकफास्ट घुस गया तो अभी हम लोग ये लाइन में लग चुके हैं और कितना लंबा सा लाइन है देख सकते हैं आप लोग इधर वो सा लाइन रिटर्न हो के इधर आना पड़ेगा उधर से अभी जाके हम लोग फिर इधर से क्रॉस होकर आना पड़ेगा पूरा ये लाइन को खत्म करके ही पहुंचेंगे हम लोग तो अभी हम लोग कितना लाइन देर से रुकते रुकते फाइनली अब हम लोग पहुंचने वाले हैं इधर ऊपर की तरफ इधर जाना पड़ेगा ये लाइन को क्रॉस करके तो चलते हैं ऊपर की तरफ पड़ी भी आ चुकी है हमारे पास एक घंटा हो चुका है पूरा हम लोग ये लाइन लगते लगते अब जाके ये थोड़ा ऊपर जाने का
फाइनली इतना चलने के बाद, इतना लाइन लगने के बाद अपना लाइन खत्म हो चुका है। तब चलते हैं ऊपर की तरफ, और इधर भी शायद लाइन लगाना पड़ेगा, और देखते हैं कहाँ कहाँ लाइन लगाना पड़ेगा। आज तो पूरा अपना स्कूल वाला दिन याद है कि असेंबली के लिए लाइन लग जाओ। वैसे वैसे वाला सीन चल रहा है। अब चलते ऊपर, और इतना भीड़ है, अभी भी उधर लोग आ ही रहे हैं। थक गए, अब पूरा पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं। इधर इधर है मेरे कुछ फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ खाना मिल रहा है, तो अभी यहाँ से हम लोग खाना खाएंगे, देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ खाने में, और दिखाएंगे आप लोगों को। देख सकते हैं इधर भी कुछ लंबा सा लाइन लगा हुआ है खाना के लिए, उधर भी लाइन लगा है। तब लाइन क्रॉस करके अब इधर आ चुके हैं, तब इधर देखते हैं कितना समय तक मिल जाएगा खाना, और कहाँ से उठना होगा। शायद उधर से है पहले। यहाँ से लाइन लगाना होगा, इधर कुछ लाइन लगा हुआ है लंबा सा, ये लाइन में भी हम लोग भी लग जाएंगे। और पहले ये सब पूरा फिनिशिंग करके बना दिए, तो और सुंदर दिख रहा है, और आगे भी और सुंदर सुंदर कहीं कहीं जगह बन चुका है, दिखाएंगे आप लोगों को सब। तो यहाँ हम लोग को प्लेट मिल चुका है, और इधर कुछ खाना देने वाले लोग, यहाँ से भी खाना भी मिलेगा। तो यहाँ अपना खाना मिल चुका है, पूरी सब्जी और दाल चावल ये सब मिल चुका है, तो यही हम लोग खाएंगे अभी सब लोग खा के। और इधर सब लोग खा भी रहे हैं, ये खाने वाली जगह खाली करके रखे हैं। इधर सबीना खा रही है, इधर पूजा लोग सब लोग खा रहे हैं, इधर हमारी पॉली भी खा रही है। अभी हम लोग खाना भी खा चुके हैं, अब हम लोग जाएंगे इधर मंदिर की तरफ, थोड़ा उधर का भी नजारा दिखा देंगे आप लोग कैसा है। वैसे पता नहीं जाने दे रहे कि नहीं, लेकिन हम लोग देखेंगे, अगर जाने देंगे तो उधर भी जाके दिखाएंगे। चल मेरे साथ जा रहा है अभी पुनीत और परी, हम लोग तीन लोग, और भैया लोग आगे जा चुके हैं, और दीदी लोग उधर ही है। तो अभी हम लोग इधर का थोड़ा देख लेंगे कैसा है। इधर भी बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ है, देख सकते हैं आप लोग पूरा इधर, और इधर खिचड़ी दिया जा रहा है, जो इधर सब लोग खिचड़ी खा रहे हैं। इधर जाएंगे मंदिर की तरफ, मंदिर की तरफ जाएगा यार। और यहाँ इमरान मिल चुका है, बहुत हमारे कॉलोनी के सब मिल चुके हैं। चलो हम लोग सब जाएगा ऊपर, इधर इमरान पड़ी, चलते हैं इधर। और ये रहा परशुराम मंदिर, मंदिर है ना, ये मंदिर। एंट्री गेट भी सुंदर बनाया है, इधर से भी कुछ इस नजारा देख सकते हैं आप लोग। तो इधर ज्यादा लोग नहीं है, और उधर से जाना पड़ता है कुंड नहाने के लिए, लेकिन उधर अभी कोई को जाने नहीं दे रहे, जो नहीं नहा रहे उन लोगों को जाने के लिए नहीं दे रहे, बस जो नहाएंगे उनको ही बस जाने दे रहे, इसलिए उधर हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो इधर ही कुछ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ परशुराम यहाँ कुछ इस तरह से, अंदर तो जाने नहीं मिलेगा ना, दूसरे देख लो उधर थोड़ा उठ के आएगा। चलो वहा वहा पौड़ी कैसा लग रहा है, पौड़ी को घुमा रहा है पूरा, मेरे दीदी लोग इतना टाइम लगा रहे हैं। और ये वाला रास्ता देख सकते हैं आप लोग, कितना भीड़ लगा है, सब नहाने के लिए जा रहे हैं, वैसे उधर जाने को तो नहीं मिलेगा। और इधर सब आदमी लोग इधर इधर, पूरा शाम भी हो चुका है, यहाँ बहुत ही ज्यादा ठंडी लग रही है। कहाँ जाने नहीं देगा, कुंड में जाने के लिए ना, और रास्ता सब शॉर्टकट बनाया ना। अभी इधर भी मंदिर है, उधर भी एक मंदिर है, यहाँ तीन मंदिर है। तो अभी हम लोग एकदम ऊपर वाले पहाड़ पे है, और यहाँ से नजारा देख सकते हैं आप लोग, ये पहाड़ पूरा, और ये रहा नीचे का कुछ इस तरह से। वाह बहुत दूर तक, इधर अबू इधर दीदी लोग सब जीजू सब लोग अब ये वाला नज़ारा देखने के लिए आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और वो वाला जो खाली दिख रहा है एकदम, वो रास्ता है, वो भी रोड है। और ये रहा है परशुराम कुंड का गौशाला, यहाँ कितने लोग गाय देते हैं देख सकते हैं आप लोग, और कितने अच्छे से इनको रखा गया है एक साथ सबको। तभी हम लोग इधर से क्रॉस हो रहे थे, तो सोची मैं ये भी दिखा देती हूँ आप लोग को। और इधर से अब हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ, मेला की तरफ। कौन आ रही है, कौन आ रहा है श्री राम नाम के, कौन आ रहा है, हो गया। हाँ माला है पॉली यार, बोलो आ गया।
ऑरेंज मिल रहे हैं एकदम पेड़ से तोड़ा वाला, एकदम ऑरेंज एकदम ताजा ताजा। इधर अभी हम लोग मेला को थोड़ा घूम रहे हैं, फिर इसके बाद जाएंगे यहाँ से। अब हम लोग तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि काफी शाम हो चुका है और जितना शाम होगा उतना ठंडा लगेगा यहाँ, इसके वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी निकलने का कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत बच्चे भी हैं, बच्चे लोगों को ठंडा लग जाएगा इसके वजह से। तो यहाँ से चलते हैं, अभी देखते हैं कितना देर पे घर में पहुंच जाएंगे। मेला बहुत घूमे और बहुत पेड़ दुख रहा है पहाड़ के ऊपर उठने के बाद में फिर बहुत पेड़ दुखता है, तो अभी बहुत ही ज्यादा पेड़ दुख रहा है। इसकी वजह से हम लोग सोचे कि जल्दी जल्दी चले जाएंगे यहाँ से, ज्यादा टाइम आज इधर नहीं वेस्ट करेंगे। अब तो अभी घर पे आ चुके हैं, तो अब थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तभी मुझे बनाना होगा डिनर बना के फिर देखते हैं क्या होगा आगे। तो आज के ब्लॉग को मैं यही खत्म करती हूँ क्योंकि अभी बिल्कुल भी वीडियो बनाने का थोड़ा इसके वजह से आज के ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।